हेलो एवरीवन वेलकम टू एनपीसी आई एम तृप्ति एंड फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बैच चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये क्लास ओके एंड आपका टेंथ का जो पोर्शन है उसके जो भी आपको पैरेलल ट्वेल्थ के वीडियो के साथ मिल जाएंगे ओके okay, आई होप आपको ये शुरुआत पसंद आए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आपको मैं एक इम्पोर्टेंट थिंग बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों चैप्टर्स का जो वैटेज है दैट इज़ द फिफ्टीन मार्क्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स इन दोनों को कम्बाइन में ऑप्टिक्स बोलते हैं तो इन दोनों का जो वैटेज है दैट इज़ द फोर्टीन मार्क्स तो आपके हाफ जो मार्क्स हैं एग्जाम के वो कवर होते हैं पांच चैप्टर से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चैप्टर्स को करेंगे एंड देन रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे आई होप आपका एग्जाम के पहले मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो जाए इस चैनल पर ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी द इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज चार्जिंग बाई इंडक्शन दीज आर द पॉइंट्स दैट विल कवर इन दिस वीडियो ओके लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रिक चार्ज का सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो हम वन बाई वन डिस्कस करते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ओके फोल okay? तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रुआ है कि वॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ओके और वी कैन से वॉट इज चार्ज चार्ज क्या होता है चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हमें एक इंपॉर्टेंट फोर्स समझना होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वी ऑल नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स सो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ओके तो सपोज आपके पास टू बॉडीज हैं और उनका कुछ मास है ओके okay, उनके ऊपर कुछ मास है तो उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा फोर्स जनरेट होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओके इफ वी टॉक अबाउट टू बॉडीज हैविंग सम मास देन देर विल बी द फोर्स जनरेटेड बिटवीन द Bodies and this force is called gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने लर्न किया था दैट इज एफ इक्व टू जी कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर हियर एम वन एंड एम टू आर द मासेस ऑफ द बॉडी और वी कैन से ऑब्जेक्ट एंड वॉट अबाउट द आर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और वी कैन से टू बॉडीज ओके एंड जी विल बी द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये फार्मूला हमने लर्न किया था और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा टू बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है क्या करता है अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है इन द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बॉडी की एक इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है विच क्रिएट्स द फोर्स एंड दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपेल्सिव मीन्स बॉडी की एक इंटरनल इंटरसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज और वो क्या क्रिएट करती है फोर्स क्रिएट करती है फोर्स जनरेट करती है और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज रिपेल्सिव भी हो सकता है ओके ग्रेविटेशन फोर्स में ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है ओके बट यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपेल्स इतनी बातें क्लियर है सो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमें लिखना है इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच क्रिएट्स द फोर्स एंड दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपेल्सिव ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपेल्सिव भी हो सकता है ओके okay. अब क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अट्रैक्टिव एंड रिपेल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है तो वो किन के बीच में होगा ओके okay, किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपेल्सिव फोर्स तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्लास नाइन्थ पर चलते हैं ओके डोंट वरी क्लास नाइन्थ के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं एंड दैट इज अबाउट द एटम एटम के बारे में हम सभी जानते हैं एटम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि एटम का जो सेंटर पार्ट है इसे आप बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है ओके एंड इले न्यूक्लियस के अराउंड आउटर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता रहता है ओके सो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए इसे ई e माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए इसे P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है ये चार्ज लेस होता है इसीलिए इसे N नोट से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay. तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी यूनिवर्स में ओनली टू चार्जेस ही एग्जिस्ट करते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ओके okay. तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आपके जो चार्जेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं ओके चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ओके तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होता है एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटोन नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंड प्रोटोन को पॉजिटिव चार्ज अगेन हम आते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स पर Uh, अगर आपके पास टू चार्जेस हैं एंड सेम नेचर के चार्जेस हैं मीन्स प्रोटोन एंड प्रोटोन हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैं तो सेम नेचर के चार्जेस जो हैं वो कौन सा फोर्स क्रिएट करेंगे यस दैट इज द रिपेल्सिव फोर्स ओके एंड अपोजिट नेचर के जो फोर्सेस हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ले लें या प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ले लें तो अपोजिट नेचर के चार्जेस क्रिएट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स ओके तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स किन के बीच में होता है लाइक like चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है एंड अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है ओके okay. अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ चार्जेस की ओके okay. तो आपके पास टू टाइप्स के चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओके तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू क्या होती है ओके मीन्स प्रोटोन एंड मीन्स प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ इस पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं ओके okay, तो एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वस टू द सेम ओके एंड इट इज अबाउट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम एंड फॉर इलेक्ट्रॉन सेम वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर माइनस नाइन्टीन कुलम बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन होता है इसीलिए हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेगेटिव यूज़ करना है ओके एंड फॉर प्रोटोन हीयर वी कैन यूज पॉजिटिव साइन ओके एंड सी हियर सी इज द यूनिट ऑफ चार्ज सी को बोलते हैं कूलम एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज जैसे लेंथ की मीटर होती है मास की किलोग्राम होती है सेम वैसे ही चार्जेस की जो यूनिट होती है दैट इज द कूलम नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द मास ऑफ चार्जेस ओके मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ओके किलोग्राम एंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू दावर माइनस थर्टी वन के जी अब इन टू मासस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मास ऑफ प्रोटोन है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जो प्रोटोन का मास है दैट इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ओके इसीलिए हम कहते हैं कि जो एटम है उसका जो टोटल मास कॉन्सेंट्रेट रहता है एट द सेंटर क्योंकि सेंटर पर प्रोटोन है ओके okay. और प्रोटोन का जो मास है इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन तो ये जो कारण है वो यही है तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ

विद साइन ओके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस टू एंड फोर प्रोटोन दैट इज प्लस फोर ओके बस इससे आप जैसे जनरली आप कैलकुलेशन uh, करते हैं आपको वैसे ही करना है फोर माइनस टू दैट इज टू एंड टू कूलम, ओके कुलम इज द यूनिट यूनिट आप लगाना नहीं भूलना है तो सिंपली आप जैसे ऐड करते हैं एल्जेब्रिक्स सम करते हैं वैसे ही आपको यहाँ करना है सेकेंड पॉइंट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए सिंपली आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते हैं तो इन द सेम वे चार्जेस को भी आप न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते हैं बस एक बॉडी से अदर बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं ओके okay? तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस नाउ द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ओके तो देखिए इसे समझिए सिंपली क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है कंटिन्यूटी क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है दैट इज द क्यू इज इक्वल टू एन ई अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला तो सिंपल ही एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आपके पास एक बॉडी है और इसमें ओनली वन चार्ज है ओके okay. तो इसका जो टोटल चार्ज है नेट चार्ज है वो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज नेट चार्ज को आप अगर कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल क्यू इज इक्व टू ओके और ई e की जो वैल्यू है, okay? है वो चार्ज की वैल्यू होती है बेसिक वैल्यू होती है अब बात करें अगर इस बॉडी में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा टू ई ओके okay? थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो थ्री नाउ द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉडी देन योर इक्वेशन विल बी द क्यू इज इक्वस टू एन ई ओके वन टू थ्री से स्टार्ट हुए और एन नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉडी में तो यहां पर आपका जो इक्वेशन हुआ दैट इज द क्यू इज इक्व टू एन ई हियर ई इज द प्राइमरी चार्ज और द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज और दैट इज इक्वल्स टू 1.6 10 रे टू द पावर माइनस -19 ओके okay. ये वैल्यू तो फिक्स है ये वैल्यू कांस्टेंट है इससे आप चेंज नहीं कर सकते ओके okay. सो so, ये आपका इक्वेशन है क्वांटाइजेशन का तो सिंपली अगर क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इन अ बॉडी ओके सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ओके ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो क्लास है उसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई ये क्या है क्वांटाइज इक्वेशन है आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हुए होंगे अब बात करते हैं न्यू टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन की तो इंडक्शन का मतलब होता है जनरेट कर देना प्रेरित करना ओके okay. मीन्स अगर आपके पास टू बॉडीज हैं तो उन टू बॉडीज में चार्जेस डेवलप करना चार्जेस जनरेट करना और ये कई तरह से हो सकता है बाय फ्रिक्शन भी हो सकता है बाय फिज़िकल कांटेक्ट भी हो सकता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है अभी हम यहाँ विदाउट फिजिकल कनेक्शन के चार्ज कैसे जनरेट होता है कैसे इंडक्ट होता है वो देखते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मेटेलिक स्पीयर लिया है और इसे स्टैंड के थ्रू रखा हुआ है ओके अब इस स्पीयर पे अगर आप टच करेंगे तो क्या होगा आपको फील होगा शॉक या नहीं तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं क्यों क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है ऐसा नहीं है कोई भी बॉडी जिस पर आपको शॉक नहीं लगे जिसे टच करने पर आपको शॉक नहीं लगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी के पास चार्ज नहीं है चार्ज है बट इक्वल नंबर में मीन्स पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस होंगे इसीलिए हम किसी भी बॉडी को टच करते हैं वहाँ आपको शॉक या करंट फील नहीं होता है क्यों क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस वहाँ इक्वल हैं अब इस इसी स्पीयर के पास में हमने क्या किया एक रोड रख दी प्लास्टिक रोड रख दी ओके इस रोड को पहले टाइल्स पर रब किया एंड देन हमने कंसिडर किया कि इस रोड पर रब करने के बाद नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए और इसे हमने इस के पास रख दिया ओके okay. देन क्या होगा स्फीयर के चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ओके okay. प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है इसीलिए ये जो सरफेस है इस सरफेस पे जिसके पास ये जो सरफेस है जिसके पास में प्लास्टिक रोड रखा हुआ है उस सरफेस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड अदर सरफेस पे आपके नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ओके नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे ग्राउंडेड कर दिया इस स्पीयर को ग्राउंडेड कर दिया ग्राउंडेड करना मीन्स किसी भी वायर के थ्रू अर्थ में कनेक्ट कर देना एक्चुअली अगर किसी बॉडी के पास या किसी इंस्ट्रूमेंट के पास बहुत ज्यादा चार्जेस है तो उसे हम ग्राउंडेड कर देते हैं क्यों क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो तो काफ़ी बड़ी है अर्थ जो है सभी चार्जेस को या चाहे वो प्रोटॉन हो मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो सभी को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके क्योंकि उसकी सरफेस इतनी बड़ी है तो आपको शॉक नहीं लगेगा तो यहाँ पे हमने ग्राउंडेड कर दिया एंड नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंडेड करने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चले गए तो आपके स्पीयर में जो बचे हुए चार्ज है जो रिमेनिंग चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज ओके और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस प्लास्टिक रोड को भी रिमूव कर दिया तो क्या हुआ चार्ज जो है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए स्पीयर में चार्ज पहले तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे एक पर्टिकुलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट थे बट इन द लास्ट स्टेप दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके तो यहाँ इस स्पीयर को अगर आप टच करेंगे तो आपको शॉक फील होगा तो यहाँ आपने क्या किया कि एक जो बॉडी थी सिंपल बॉडी जिसमें कुछ कोई चार्ज नहीं था जिसमें कोई चार्ज नहीं था ओके okay. उससे आपने अदर बॉडी से कॉन्टेक्ट में किया एंड देन चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपका चार्ज जनरेट हुआ तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन ओके सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ मेथड यूज टू चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग ओके आपने ऑब्जेक्ट को टच किए बिना चार्जेस जनरेट किए हैं ओके okay. तो दैट इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे तो आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें हमने क्या सीखा हमने इंट्रोडक्शन सीखा इंट्रोडक्शन के बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड देन चार्जिंग बाय इंडक्शन अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इन चार्जेस से जनरेट होने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड दैट इज द कूलम फोर्स कुलम फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये टेंथ के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे पैरल ट्वेल्थ के साथ पैरल वो भी लेक्चर्स जो हैं जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे ओके okay? ओके okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच